नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और यहां पर देखिए कि आजम खान की गिरफ्तारी के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जिस तरीके से एक बड़ा मुस्लिम लीडर जो है, बड़ा मुस्लिम चेहरा यहाँ पर सपा का, वो उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है, 3 साल की सजा अब उन्हें सुना दी गई है, उस पर अखिलेश यादव का चुप्पी साधना कहीं से भी मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकता है। और अखिलेश यादव के साथ जो है, जिस तरीके से तमाम मुस्लिम लीडर्स जो है उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, इससे पहले इमरान मसूद ने उनका साथ छोड़ दिया था, उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर जो आजम खान जो है उनको 3 साल की सजा सुना दी गई है। उसके बाद देखिए कि अगर और जो दो बड़े माइनॉरिटी के चेहरा बचे हुए हैं अखिलेश यादव के साथ, वो भी उनका अगर साथ छोड़ देते हैं, तो फिर अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके से दो बड़े चेहरे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास, सभी मुसलमान के, एक एसटी हसन, एक शफीकुर रहमान वर्ग, तो ये दो चेहरा जो है ये अभी फिलहाल अखिलेश यादव के साथ मजबूत है। अब देखिए, बात कर रहे हैं अपना दल कमेरावादी की। जी हाँ, अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल। जी हाँ, देखिए पल्लवी पटेल ने यहाँ पर अखिलेश यादव से, क्योंकि कुछ दिनों से नाराजगी चल रही थी, अब उन्होंने आजम खान की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधने पर जो है अखिलेश यादव की सवाल उठा दिया। उन्होंने सवाल पूछा अखिलेश यादव से कि आखिर क्यों एक आपका बड़ा मुस्लिम लीडर जो है उनको 3 साल की सजा सुनाई गई और आप चुप्पी क्यों साधे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।